रहमान निरहीम। तो आज हम बहुत ही लजीज किस्म की चना बिरयानी बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन ये है कि राइस बॉईल करने हैं। तो मेरे पास 2 गिलास राइस थे जिनको मैंने भिगो के साइड पे आधे घंटे के लिए रख दिया है। एक मैंने बर्तन ले लिया है, 8 गिलास इसमें पानी शामिल कर दूंगी। 3 टेबलस्पून मैं इसमें नमक के शामिल कर दूंगी और थोड़े थोड़े सारे ही गर्म मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसमें जो गर्म मसाले आपने ऐड करने हैं उसका ज़रा मैं शूट करना भूल गई हूँ। तो उसमें जो गर्म मसाले जाने हैं, इसमें 4 हम डाल देंगे लौंग, 12 हम डाल देंगे काली मिर्ची, 1/2 इंच हम इसमें डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, 2 हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और 4-5 पत्ते हम इसमें हरे धनिए के डाल देंगे। और जैसे ही इसको बॉईल आया है तो मैंने इसमें का किया है राइस ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो राइस ऐड हो चुके हैं, ये देखिए जनाब। तो अब हमने इसको 95% बॉईल कर लेना है। तो तकरीबन 7 मिनट में ये बिल्कुल 5-7 मिनट में बिल्कुल बॉईल हो जाएंगे। तो देखिए जनाब, राइस हमारे 95% बॉईल हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और एक एक दाना रहेगा। तो स्टेप और इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। स्टेप 2 ये है कि इसका हमने मसाला प्रिपेयर करना है। एक हम ले लेंगे कोई भी बर्तन, उसमें हम डाल देंगे घी। इसमें इस बिरयानी में घी ही डलता है तो ही ये मज़े की बनती है। तो 1/2 कप मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। तो ये इसमें मैंने 3 मेरे पास प्याज थे मीडियम साइज़ के, वो इसमें डाल देंगे। स्लाइस में मैंने कट कर लिए थे, ब्रीक थोड़े से स्लाइस थे, ना ज़्यादा मोटे थे ना ही ज़्यादा ब्रीक। इसको हम गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा प्यारा सा, जब सुनहरी सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो देखें 3-4 मिनट में हल्के से ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन थोड़े से हमने इसको ब्राउनिश शेड में लेके आना है। तो देखें ब्राउन हो चुके हैं। 2 मैंने इसमें डाल दी हैं लाल मिर्चें और 1 मैंने डाल दिया है इसमें कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। 2 मेरे पास टमाटर थे जिनका मैंने छिलका रिमूव करके रफ काट के अच्छी तरह से चॉप चॉप इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैं अब इसको इसमें मैंने 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको भूनेंगे तकरीबन फ्यू सेकंड्स, 3-4 मिनट अच्छी तरह से। तो 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है और अब मैंने इसमें चने शामिल कर दिए हैं ताकि चनों को जब हम मसाले के साथ भूनेंगे तो चनों में भी मसाले का टेस्ट चला जाएगा। तो 3-4 मिनट मैंने इनको अच्छी तरह से भुना है। अब मैं क्या करूँगी, इस सिचुएशन में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करते हुए भी उसमें भी नमक ऐड किया है, तो 2 टेबलस्पून इनफ है। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप योगर्ट ऐड कर दिया है और 9 मिनट्स तक अच्छी तरह योगर्ट डाल के इसको कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो जना मैंने 9 मिनट अच्छी तरह से इसको मैंने भुना है और जैसे ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मसाला लगेगा या लगने ना पाए तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से भुना है। 1 टेबलस्पून पानी शामिल करके 2 मिनट्स भुना है, फिर 1 टेबलस्पून पानी शामिल करके फिर 2 मिनट्स भुना है। तो इस तरह बहुत मज़े के भुन चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा रेडी है। अब इस सिचुएशन पर मैंने चूल्हे का जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो कर दिया है और एक मैंने प्लेट ले लिया और उसमें मैं आधे से ज़्यादा चने मैं निकाल लूँगी। अब हम इसकी तह लगाएंगे और ये थोड़े से 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें 1/2 कटोरी के करीब मैंने इसमें चने रहने दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे, माशाल्लाह ये राइस बॉईल हो चुके हैं और एक एक दाना है। तो अब मैंने इसकी लेयर लगा दी है राइस की। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से राइस और शामिल कर देंगे इसमें, ये देखिए, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब हम इसके ऊपर चने डाल देंगे, इस तरह से चने की लेयर लगा देंगे। तो ये इतने मज़े के लजीज बनते हैं, आप इसी तरीके से बनाएं बहुत मज़े के बनेंगे। फिर ऊपर अगेन से जैसे हम बिरयानी चिकन बिरयानी बनाएं तो लेयर्स लगाते हैं, वैसे ही लेयर्स लगाते जाना है। और अभी ये मैं सारे चने डाल दूंगी और ये देखें जनाब, चने डालने के बाद फिर ऊपर हम लेयर लगाएंगे राइस की, अगेन से इसके ऊपर राइस डालेंगे। हम शामिल कर देंगे और राइस
मैंने सारे शामिल कर दिए हैं। तो मैंने इसमें आलू बुखारा शामिल कर दिया है, 4 से 5 मेरे पास आलू बुखारे हैं। लेमन के स्लाइस भी 4 से 5 हैं जिनको मैंने कट कर लिया था स्लाइस में। और फिर हम इसके ऊपर फ्राई प्याज शामिल कर देंगे जिससे इसका टेस्ट और दुबला हो जाएगा। और इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे और ऑयल, घी या ऑयल 4 टेबल स्पून। और अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको लगा देंगे दम। तो दम हमने इसको लगाना है 10 मिनट्स का, ये देखें। और जब आपने दम लगाना है तो फ्लेम मैंने लो कर दी है। और देखें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है 10 मिनट्स के दम के बाद। और ये देखें कितनी ही मज़े की बनी है। और देखें सिरका डालने से एक एक दाना है चावल का, एक एक दाना। तो आप भी सिरका डाल लें, अगर ओवर कुक भी हो जाए तो चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ अपनी मज़ेदार सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।